हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हेल्प। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड और पटवारी के लिए मॉक टेस्ट 2 की। मॉक टेस्ट 1 हम इस चैनल पर पहले ही अपलोड कर चुके हैं। आज मॉक टेस्ट 2 में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश जीके, इंडिया जीके और करंट अफेयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन की। इन सभी एग्ज़ाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है जितने भी कैंडिडेट इन सभी एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं उन सभी के लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगा। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो बिना किसी देरी के। समुद्र तल से लामा झील की ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से लामा झील की ऊंचाई 3962 मीटर है। लामा झील हिमाचल प्रदेश की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। लामा झील चंबा के भरमौर उपमंडल में स्थित है। लामा झील को 7 झीलों का समूह भी कहा जाता है। सियोल धारा किस नदी की सहायक है? सियोल धारा रावी की सहायक है। इसके अलावा भांदल भी रावी की सहायक नदी है। यदि हम रावी नदी की बात करें तो रावी नदी का उद्गम स्थल है कांगड़ा के बड़ा भंगाल में। रावी नदी कांगड़ा और चंबा डिस्ट्रिक्ट में बहती है। चंबा शहर रावी नदी के किनारे बसा है और रावी नदी चंबा के खेरी नामक स्थान में चंबा को छोड़कर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। कौन सा दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पर है? हिमाचल प्रदेश का प्रांगड़ा दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। प्रांगड़ा दर्रा लाहौल को लद्दाख से जोड़ता है। प्रांगड़ा दर्रे की समुद्र तल से ऊंचाई है 5600 मीटर। गोरखाओं को पराजित करने के बाद महाराजा रणजीत सिंह ने कांगड़ा हिल के प्रथम नाजिम या राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया था? महाराजा रणजीत सिंह ने देसा सिंह मजिठिया को कांगड़ा हिल के प्रथम नाजिम या राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया था। देसा सिंह मजिठिया कांगड़ा हिल के प्रथम सिख नाजिम या राज्यपाल रह चुके हैं। 1805 में गोरखाओं ने राजा संसार चंद को महल मौर्या नामक स्थान पर पराजित किया था। उसके बाद राजा संसार चंद ने महाराजा रणजीत सिंह की सहायता से 1809 को गोरखाओं को पराजित किया था और कांगड़ा किले पर दोबारा से अपना कब्जा किया। उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह ने राजा संसार चंद से कांगड़ा किले को लिया था और उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह ने देसा सिंह मजिठिया को कांगड़ा किले के प्रथम नाजिम या राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया था। यूरोपीय यात्री मूरक्राफ्ट ने हिमाचल का भ्रमण कब किया? यूरोपीय यात्री मूरक्राफ्ट ने 1820 और 1822 के दौरान भारत का भ्रमण किया था। किस वर्ष शिमला को ब्रिटिश राज की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया? 1864 ईस्वी के दौरान लॉर्ड लॉरेंस के प्रयासों द्वारा शिमला को ब्रिटिश राज की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। हिमाचल प्रदेश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? हिमाचल प्रदेश में 1977 ईस्वी के दौरान पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। 1977 में पहली बार जनता पार्टी से शांता कुमार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। इससे पहले डॉक्टर वाई एस परमार 1952, 1963, 1967 और 1972 को और रामलाल ठाकुर 1977 को कांग्रेस की ओर से प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। किस राज्य देवता के जलेब से मंडी का शिवरात्रि मेला शुरू होता है? माधव राय की जलेब से मंडी का शिवरात्रि मेला शुरू होता है। माधव राय सूरज सेन के समय से मंडी का देवता है। सूरज सेन 1664 से 1679 के दौरान मंडी का शासक था। उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था क्योंकि उसके जीवन काल में ही उसके 15 पुत्र मर गए थे, इसलिए उसने माधव राय की एक चांदी की मूर्ति बनाई थी। इसके अलावा सूरज सेन ने कमलागढ़ किले का निर्माण भी किया था। यदि हम दशहरे की बात करें तो दशहरे में रघुनाथ की जलेब निकाली जाती है। मिंजर मेला चंबा में कब से शुरू हुआ? मिंजर मेला चंबा में 1920 ईस्वी से शुरू हुआ। मिंजर का अर्थ है मक्की का फूल। मिंजर का वर्तमान स्वरूप 10वीं शताब्दी के राजा साहिल वर्मन ने शुरू किया था। मिंजर मेले में वरुण देवता की पूजा की जाती है। मिंजर मेला एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है। मिंजर मेला चंबा के चौगान में सावन महीने के दूसरे रविवार को लगता है, अर्थात मिंजर मेला अगस्त महीने में मनाया जाता है।
चंबा में स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर को किसने बनवाया? चंबा में स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण साहिल बर्मन द्वारा किया गया था। साहिल बर्मन ने 1920 और 1940 ईस्वी के दौरान लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण किया था। लक्ष्मी नारायण मंदिर 6 मंदिरों का समूह है। शिमला में आलू की खेती किसने शुरू की थी? शिमला में आलू की खेती कैप्टन कनेडी ने शुरू की थी। हिमाचल का बनारस किस शहर को कहा जाता है? मंडी शहर को हिमाचल का बनारस कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना पार्वती जल विद्युत परियोजना है। पार्वती जल विद्युत परियोजना कुल्लू में पार्वती नदी पर बनाई गई है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है 2000 मेगावाट। यदि हम हिमाचल प्रदेश की कुल जल विद्युत क्षमता की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की कुल जल विद्युत उत्पादन क्षमता है 20000 मेगावाट। हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? शानन, जो कि जोगिंदर नगर में स्थित है, हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है। शानन जल विद्युत परियोजना का निर्माण उहुलखड पर 1926 ईस्वी के दौरान किया गया था। इसकी जल विद्युत उत्पादन क्षमता है 110 मेगावाट। शानन जल विद्युत परियोजना पंजाब विद्युत बोर्ड के अधीन है। हिमाचल प्रदेश शेप एंड स्टेट पुस्तक किसने लिखी? हिमाचल प्रदेश शेप एंड स्टेट पुस्तक डॉक्टर YS परमार द्वारा लिखी गई है। हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं किससे निर्मित की जाती थी? हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं तांबे से निर्मित की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता के दौरान तांबा धातु का उपयोग सबसे अधिक किया जाता था। सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए? सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में चलाए गए। गुप्त साम्राज्य के शासकों ने 319 ईस्वी से 550 ईस्वी के दौरान शासन किया था। गुप्त साम्राज्य के कुछ प्रमुख शासक थे चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त द्वितीय। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत में सबसे अधिक कौन सा खनिज पाया जाता है? भारत में सबसे अधिक अभ्रक खनिज पाया जाता है। माइका मिनरल भारत में सबसे अधिक पाया जाता है। GST लागू करने वाला पहला देश कौन है? GST लागू करने वाला पहला देश फ्रांस है। फ्रांस ने 1954 के दौरान GST लागू की गई थी। यदि हम GST की फुल फॉर्म की बात करें तो GST की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है। ये 3 प्रकार के आपातकाल हैं राष्ट्रीय आपातकाल। इसका वर्णन अनुच्छेद 352 में मिलता है। राष्ट्रपति शासन, इसका वर्णन अनुच्छेद 356 में मिलता है। वित्तीय आपातकाल, इसका वर्णन अनुच्छेद 360 में मिलता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार के विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम है हेल्थ फॉर ऑल। नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। और पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। हाल ही में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया? हाल ही में भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया गया। 15 जनवरी 1949 को लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा भारत के प्रथम शीर्ष कमांडर बने थे, इसलिए 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में नाइटहुड की उपाधि किसे दी गई है? हाल ही में एलिस्टर कुक को नाइटहुड की उपाधि दी गई है। एलिस्टर कुक टेस्ट मैच में सर्वाधिक रन बनाने वाले इंग्लिश क्रिकेटर हैं। किसी इंग्लैंड के क्रिकेटर को 11 साल बाद नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। आज की वीडियो में हमने बात की मॉक टेस्ट 2 में मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन की। यदि आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आने वाले समय में हम इस सीरीज का मॉक टेस्ट 3 इस चैनल पर अपलोड करने वाले हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो ऐसे ही वीडियो का फ़ायदा उठाने के लिए इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।